हेलो एवरीवन। तो एक बार हम फिर से साथ में हैं आपके स्कूल की जो यूट्यूब क्लासेस हैं उसके थ्रू आपका चैप्टर 5.2 के साथ क्लियर है। यहाँ हम कुछ एंगल्स को सीखने वाले हैं, तो देखें हम कैसे एंगल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कौन से एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है। जब आपको कोई दो पैरेलल लाइंस मिलें, क्या मिलती हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जब कोई भी दो लाइंस हैं और उनकी डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर सेम है तो वो लाइंस पैरेलल लाइन होती है। जैसे कि अगर ये इन दोनों लाइंस की यहाँ डिस्टेंस 4.5 है, यहाँ पर भी 4.5 होगी, यहाँ पर भी 4.5 होगी, तभी इन लाइनों को हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। क्लियर है? अब देखें थोड़ा इन लाइनों को, जो काटने वाली लाइन होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, या ट्रांसवर्सल कह सकते हैं आप। अब जब ये दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए एक एंगल ये बना है, एक एंगल ये, एक ये, एक ये, एक ये वाला, ये एंड ये और ये वाला, तो इनको नाम दे देते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये एंगल कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से सेम है। लाइक देखें आप, जब कोई भी दो लाइनें आपस में काटती हैं ना, तो उनके जो सामने सामने एंगल बनते हैं, जो वर्टिक्स पे अपोजिट एंगल्स बनते हैं, उन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे ही कुछ ये दोनों लाइनें आपस में काट रही हैं, तो 1 और 3 इक्वल होगा और 2 और 4 इक्वल होगा, ऐसे ही 5 और 7 इक्वल होगा, 6 और 8 इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्या है, आप याद रखें कोई भी लाइन है उसके ऊपर ऐसे एक लाइन बनी हुई है, एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर वो लाइन जो काट रही है उन दोनों लाइनों को, उस एंगल को, तो ये जो एंगल्स हैं इन दोनों का ऐड क्या होगा? 180 ही होगा, क्योंकि तो पहले से ही 180 था। तो इन्हें पेयर ऑफ लीनियर, या ऐसे कह लो लीनियर पेयर, क्या कह लीजिए आप, लीनियर पेयर कहते हैं। और जैसे ये लाइन है, इस लाइन पर ये वाला और ये वाला बन रहा है, और इसी लाइन पर ये और ये बन रहा है, और फिर ये वाली लाइन देखेंगे तो इस पर ये और ये, और ये वाला और ये वाला, मतलब कि ये जो दो दो एंगल के पेयर है ना, इनका ऐड जो होगा वो हमेशा 180 होगा। क्या होगा? हमेशा 180 होगा। इन्हें हम लीनियर पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। अब देखें आप, जैसे ये एंगल 5 है, क्या है? एंगल 5, और यहाँ ये एंगल 3 है, ये एंगल इक्वल होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अंदर हैं और अल्टरनेट हैं एक दूसरे से, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, सॉरी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो भी ये क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये भी इक्वल होते हैं। और ये होता कब है? जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हों। क्या हो? पैरेलल हों, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसी तरह से एंगल 5 और एंगल 1, एंगल 6 और एंगल 2 इक्वल होते हैं, इन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये भी इक्वल होते हैं। और एक और बात, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी 4 एंगल और 5 एंगल, ये इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ हैं, तो इन्हें कहते हैं इंटीरियर और अंदर बने हुए हैं, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल सेम साइड ऑन दी ट्रांसवर्सल, इनका ऐड किसके इक्वल होता है? सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल 180 होता है इनका ऐड। कितना होता है? 180। तो हम देखेंगे अपना आगे जो क्वेश्चंस हैं, वो कुछ क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है आपका? वो कह रहा है यहाँ पर आपको बताना है प्रॉपर्टीज जो यूज़ करी गई हैं इन फॉर्म्स में। कहते हैं इफ़ ए पैरेलल बी, अगर ए लाइन पैरेलल बी है, यानी ए लाइन बी के पैरेलल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा क्या? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अभी बताया था मैंने। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर 1 डालकर, इफ ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5
बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. कौन से एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल हैं. क्लियर है? एंगल वन और एंगल फाइव क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब देखें आंसर नंबर टू में, आप क्वेश्चन नंबर टू का देखें क्या कर सकते हैं. हम लिखा है एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल सिक्स है. एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल सिक्स है. क्लियर है? तो क्या ए पैरेलल लाइन बी के होगी? तो एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल सिक्स है, इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है. और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो तभी इक्वल होते हैं जब वो लाइनें पैरेलल हों. तो हम क्या लिख देंगे? इफ एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल सिक्स देन ए पैरेलल बी बिकॉज एंगल बिकॉज दीज आर इंटीरियर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. ये कौन से एंगल हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए ये लाइन जो है वो पैरेलल होगी. और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसका मतलब वो लाइन है पैरेलल है. आंसर नंबर थ्री देखें आप. हमें सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी थी. कहते हैं कि इफ एंगल फोर प्लस एंगल फाइव क्या है? 180 है. एंगल फोर और एंगल फाइव क्या है? एड 180 है. ये कैसा है कि ये इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं और सेम साइड ऑन दी ट्रांसवर्सल हैं, इसीलिए इन दोनों का एड कितना है? 180 है. और इन दोनों का एड 180 है तो ए पैरेलल लाइन बी पैरेलल होगी, है ना? ए लाइन पैरेलल होगी बी के. तो हम लिखेंगे इफ एंगल फोर प्लस 5 इज इक्वल टू 180 देन ए पैरेलल बी बिकॉज एंगल 4 एंड एंगल 5 एंगल 4 एंड एंगल 5 आर इंटीरियर अपोजिट एंगल सेम साइड ऑन दी ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल क्लियर है? तो ये हमने एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर लिया. अब हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में लिखा है आपको पी पैरेलल क्यू दिया है. पी पैरेलल क्यू, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है. क्लियर है? और आपको अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं, यानी ई एफ ए बी सी डी ये सारे फाइंड करने हैं. तो देखें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम सॉल्व करके. इस लाइन को अगर मैं ऐसे बना लूँ तो आपको ज़्यादा साइज समझ में आ जाए. यहाँ 125 दिया है, ये E दिया है और ये F दिया है, फिर ये A दिया है, ये B, ये C और ये D, इस तरह से कुछ दिए हैं. तो आप देख पाएंगे, मैंने आपको बताया था इस लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं. और लीनियर पेयर बना रहे हैं मतलब 180 है. तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं सॉल्व 125 प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है. ठीक है, ई तो यहीं रहेगा, 180 माइनस 125 ये अगर पहुंच जाएगा तो ई इज इक्वल टू कितना आएगा? 10 में से 5 गए 5, 17 में से 12 गए 5, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? 55 डिग्री. कितना आ गया? 55 डिग्री. सेम ये दोनों अगर लीनियर पेयर थे तो ये और ये भी लीनियर पेयर है, इस लाइन पर बनना है, है ना? तो हम यहाँ लिख सकते हैं नाउ 125 प्लस एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री.
क्यों? क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है, ये उधर पहुंच जाएगा तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 125। एफ इज इक्वल टू भी कितना आएगा 55, कितना आएगा 55। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ लिखा है f 55 है, f भी कितना आ गया है 55 आ गया है f। अब तो f 55 है तो a कितना होगा 55, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे सिंस एंगल a इज इक्वल टू एंगल f है, क्यों है? क्योंकि ये क्या है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एंगल a इज इक्वल टू f की वैल्यू कितनी थी 55, तो ये भी कितना आ जाएगा 55। क्लियर है? इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, आओ एंगल c इज इक्वल टू एंगल क्या है a, एंगल c इज इक्वल टू एंगल a, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं एंगल c इज इक्वल टू 55। एंगल c कितना आ गया 55। अगर ये 55 है तो ये भी कितना आएगा 55। अब हमारा रह गया d और b, तो हमें पता है कि a और d मिला के कितना होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर है, तो हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली लिख लो, इसी तरह से क्या होगा एंगल a प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इसकी तरह बिल्कुल कितना है लीनियर पेयर है, ये क्या है लीनियर। a की वैल्यू कितनी है 55 प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल d इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो एंगल d इज इक्वल टू आएगा 125। कितना आएगा 125। ठीक है, अब अगर एंगल d 125 है, हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पर एंगल b इज इक्वल टू एंगल d है, क्योंकि दोनों क्या हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, क्या हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाले भी क्या थे वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। अब b की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू पता है 125। इस तरह से मैंने ये सारे एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से देख सकते हैं, दोबारा से वीडियो समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ एल पैरेलल एम। मतलब आपको दिया है कि एल जो है वो पैरेलल है एम की, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। और आपको नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 80 डिग्री है और ये 100 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर L पैरेलल M दिया है, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों ट्रांसवर्सल हुए, तो इस हिसाब से हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टफ है फाइंड करना, बहुत ही आसान है। जब L पैरेलल M है, मैं L को ऐसे बना लेता हूँ और M को ऐसे, ये L है और ये M है, तो ये वाली लाइन जो होगी, ये वाली लाइन, इसमें x के अलावा और कुछ फाइंड नहीं करना है, x ही फाइंड करना है, तो ये 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100, और ये x है हमारा इस समय, और ये लाइन है वहाँ पर, ये 80 बता रहा है, तो हमें इससे तो कुछ लेना देना है ही नहीं, सीधा इसी से निकल आएगा। ये वाला एंगल इसके क्या है करस्पॉन्डिंग है, क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, बताया था मैंने। और करस्पॉन्डिंग एंगल है इसका मतलब क्या है कि इक्वल होगा, तो हम यहाँ सीधा सीधा लिख देंगे सॉल्व में कि एंगल x इज इक्वल टू 100। इससे ज़्यादा सरल सवाल तो हो ही नहीं सकता, बस एंगल x इज इक्वल टू 100, क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल है, सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यही आंसर, बस इतना सा सवाल था, ये कुछ भी नहीं करना था, सीधे सीधे हमें बताना था कि x जो है वो 100 के इक्वल है, क्यों है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद हम देखेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे इसमें दिया है इन द गिवन फिगर्स बिलो
डिसाइड वेदर एल इज़ पैरेलल टू एम, आपको डिसाइड करना है कि एल जो है वो एम के पैरेलल है या नहीं है। तो बड़ा आसान सा है, समझ सकते हैं आप। देखिए यहाँ अगर एल पैरेलल है एम के तो ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल है और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। अगर इन दोनों का ऐड 180 है तो एल पैरेलल है एम के, तो हम क्या करेंगे सिर्फ इनका ऐड निकालना है। 126 प्लस 44 कितना हो रहा है, 4 और 6 10, 4 और 2 6 7 7 170 हो रहा है। इसका मतलब एल इज नॉट पैरेलल टू एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 75 है तो ये भी 75 होगा। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल चाहे पैरेलल लाइन हो या ना हो वो तो होता है, कोई भी दो लाइन आपस में काटती हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये भी 75 है, और ये देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है एल और एम की, और इन दोनों का ऐड भी कितना होना चाहिए था 180। तो करके देखते हैं, 75 प्लस 75 कितना आ रहा है 150। तो एल इज़ नॉट पैरेलल टू, लिख देंगे सो एल इज नॉट पैरेलल टू एम। ये पैरेलल का साइन होता है, ऐसे दो साइन दो डंडे, जैसे आपको पीछे वाले सम्स में भी दिया था। देखें अब ये 57 है तो ये भी 57 होगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इन दोनों का ऐड भी कितना होना चाहिए 180। क्या होना चाहिए, क्योंकि इंटीरियर अपोजिट एंगल है सेम साइड ऑन दी ट्रांसवर्सल। तो 123 प्लस 57 कितना आएगा 180 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M। अब ये अगर 72 है इसका मतलब ये भी 72 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इन दोनों का आंसर भी कितना आना चाहिए था 180। तो देखते हैं, तो 9 8 92 10 9 7 16 1 70 ये नहीं है, देखेंगे एल इज नॉट पैरेलल टू एम। क्लियर है? तो इस तरह से ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो चुकी है, और साथ साथ चैप्टर का भी एंड हो गया है। तो आप इसको देख लें, समझ लें कैसे किया है मैंने, और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।